राष्ट्रीय पर्व होला मोहल्ला जी की 19 मार्च से 22 मार्च तक खालसे की जन्मभूमि श्री अनंतपुर साहिब ने पूरे जाहो जलाल के साथ मनाया जाएगा। इस मौके देश विदेश से आए संगत गुरु साहब के चरणों में नतमस्तक हो गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त करती है। भारी मात्रा में संगत का आगमन कहीं न कहीं सियासी लीडरों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। सियासी लीडर राजनीतिक कॉन्फ्रेंस कर लोगों को संबोधन करते हैं। इस बार होला मोहल्ला के मौके यह राजनीतिक रंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव कमीशन की तरफ से लोकसभा चुनाव घोषित होते ही पूरे देश में चुनाव जब्ता लग चुका है। ऐसे में राजनीतिक कॉन्फ्रेंस करने पर भी पाबंदी लग चुकी है। हमारी टीम की तरफ से अलग अलग पार्टियों के साथ जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि चुनाव जब्ता के चलते उनकी पार्टी की तरफ से इस बार होला मोहल्ला के मौके पर सियासी कॉन्फ्रेंस नहीं की जा सकी। देखो जी, मैं तो ये कहूँगा कि जड़ियाँ सियासी पार्टियां धार्मिक प्रोग्राम तो जाके अपने स्टेजा लादियाँ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खालसे का प्रोग्राम खालसे के हिसाब ही होना चाहिए। ये जिन्हें मर्जी लीडर जो मर्जी अपने बयान दागी जान, पर है झूठे दे झूठे ही है। और कॉन्फ्रेंसा जड़ियाँ धार्मिक दुकानों में होंगे वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शुभ लक्षण सिंह, देखो लगनिया भी चाहिए क्योंकि धर्म को सियासत नाल वख नहीं किया जा सकता, परंतु यह है भी इन अगर जो लीडर लोग है जो लोगों ये सिर्फ बेवकूफ बना दे वैसे तो लगनगे, पर इन्हां दियां जिहड़ियां सोचां हुंदियां उन्हां लोकां तक पहुँचदियाँ। लोग फिर अगे बहुत ज़्यादा हुण सियाणे हो चुके आ वैसे, पर वह लोग भी इन्हां नूं सोच समझ के ही ये वोटां की खातर स्टेजा लाते आ भी अगे वोटां आ गईआं, वोटां इन्हां ने लैणियां, उहदे करके इन्हां ने सच्चे झूठे वादे करने लोगों नाल। परंतु चाहिदा तां नहीं आ, परंतु इहनूं वख नहीं किया जा सकदा। अगर लगदियाँ तां लोगों के जागरूकता पैदा हुंदी आ किहड़ा लीडर सही आ किहड़ा नहीं आ। लोग बड़े सियाणे आ, अच्छे ढंग नाल उहनां नूं सुण के अपना वोट का इस्तेमाल वो कर सकते आ। ठीक है जी, तो उसते परंतु मतलब यह भी है ये मतलब 0-0 ही है सारे, एक तो एक चक लो उधर रख लो। लगनी चाहिए है जी साढ़े तो भी उहदे विच लोगों को यह पता लग जाता भी ये लीडर इस वेले सानू की लॉलीपॉप दे रहे हैं। उसमें पर्सनली मैं उसको विजिट करके आया हूँ, और जब तक हमारा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश मई के दूसरे तीसरे हफ्ते में यहाँ जब हमारे पोलिंग होगी उस टाइम तक वो पानी से बाहर निकल चुका होगा, और उसको हमारी एक्सेस जो है वो रोड से भी हो जाएगी। और वहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज हैं, लाइट की मेन थी, तो पिछले जो चुनाव हुए थे 2017 के हमारे विधानसभा हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर सोलर लाइट का एक प्रबंध किया गया था, और वहाँ पर वो सोलर लाइट अभी भी है, और उसको मैं हम खुद जाकर के हमारी टीम और मैं भी वहाँ पर जाकर के उसको हम चेक करके आए हैं उसके लिए है। और हमारी सारी प्रिपरेशन हर कंस्टिट्यूंसी पर जो चली है, उसका पार्टी फतेहपुर कंस्टिट्यूंसी का भी हर प्रकार की तैयारियां जो हैं वो चली हैं। सबसे पहले जो था जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जितने बैनर्स थे फ्लैग्स थे जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगे थे, वो सबको उनको रिमूव करना था, वो सारे कर दिए गए हैं। हमारी कंस्टिट्यूंसी फतेहपुर 08 और लोकसभा क्षेत्र जो है वो 01 कांगड़ा है। हमारे टोटल वोटर्स जो हैं फतेहपुर कंस्टिट्यूंसी में वो 80,562 हैं, जो अभी तक जनवरी 2019 तक जो हमारा मदर रोल बना है उसमें से महिला वोटर्स जो हैं हमारी 39,911 हैं, तथा पुरुष मतदाता जो हैं वो 40,651 हैं। टोटल हमारे जितने पोलिंग बूथ जो हैं वो 109 हैं, और जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा वहाँ पर बूथ की भी हमने हर बूथ पर जितनी कौन कौन सी मिनिमम फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए वो सारी मिनिमम फैसिलिटीज़ जो है उनको चेक भी कर लिया, और जहाँ नहीं थी वो हमने कंप्लीट भी कर ली है। तो स्वीप एक्टिविटीज़ हैं मतदाताओं को जागरूक करने के बारे में हैं, तो वो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स जो है वो हमने स्कूलों के माध्यम से, अपने आंगनवाड़ियों के माध्यम से, और जो हमारे बैग्स हैं बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप्स हैं उनके अनुसार जो है हम लोगों को बार बार उनके गाँव तक जा कर के जो है उनको हम इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक त्यौहार में जो है वो अपना जो उसमें योगदान है उसको वो जरूर दें। अनंतपुर साहिब से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।